ये है इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के अंदर पुलिस स्टेशन एंड यहाँ पर है दो पुलिस ऑफिसर्स बाहर, तीन पुलिस ऑफिसर्स अंदर, लेकिन आज हम खुद भी एक पुलिस ऑफिसर बनने वाले हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर बनने के लिए अपने को करने पड़ेंगे ये 5 मिशन, तो ही हम बन पाएंगे पुलिस ऑफिसर। तो जल्दी से सारे मिशन करते एंड फिर हम प्ले करेंगे एज ए पुलिस ऑफिसर। तो लेट्स गो। तो यहाँ पर जाते हैं, जल्दी से पुलिस मोड को स्टार्ट करते, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला एंड इसके अंदर अपने को काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले इसके अंदर कुछ मिशन है वो अपने को करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट। ओके, ये मोड स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ, अबे एक सेकंड भाई, इतने घर के अंदर ये क्या हो रखा है, इतने सारे पेड़ पौधे पत्तियाँ की यहाँ पर परछाई कैसे आ रही है। ओह वेट, अबे यस गाइस, मैंने खुद ने ये बनाया था मैप, यहाँ पर देख सकते हो मैंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया था अपने हाउस को, कैसा लग रहा कमेंट्स में बता सकते हो। तो इसको थोड़े यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए स्विमिंग पूल के बाहर यहाँ पर एंड एक सेकंड, किल 5 कॉप्स। अच्छा, तो अपने मिशन अपने स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी से चलते एंड भाई पहला मिशन ये अपना 5 कॉप्स को मारने का है भाई। लिटरली अपने को पुलिस वाला बनना है और उसके लिए अपने को 5 पुलिस वालों को मारना पड़ेगा पहले। तो चलो भाई ये भी कर लेते हैं, अभी जल्दी से निकालते अपनी फॉर्च्यूनर को लेकर। चले गाइस, अभी यहाँ पर हम आ चुके, दो पुलिस वाले जस्ट बाहर है भाई, ये कुछ बोलेंगे क्या यहाँ पर, इनके पास में जाएंगे तो। अबे भाई इनको कैसे पता चला कि मैं मारने के लिए आया हूँ भाई, जस्ट यहाँ पर आए हुए, ये जस्ट अपने को मारने लगे भाई, लाते गुस्से से थे, मरने नहीं वाले, गन निकालने पड़े। लेट्स गो भाई, AK-47 से सबको पेल दिया हमने। ओके, 3 लोगों को तो हमने मार दिया भाई, कोई उठ मट चाहिए भाई, यहाँ पर सबको मार दिया हमने एंड एक और को मारते। ओके, और ये आ चुका, रुको इसको भी मारते, ये लो भाई हेड शॉट लगा दिया खतरनाक एंड और को ये। अबे ये क्या कर रहे हैं भाई इन लोग, भाई इनको किसने बोला यहाँ पर रहने की, भाई पुलिस वाले मर चुके ये क्या करेंगे एंड एक जस्ट बाहर, इसको भी जल्दी से ख़त्म। चलो ये भी मर चुका है एंड चलिए कि इसी के साथ 5 को हमने मार दिया एंड अपना पहला मिशन अच्छा से डन हो चुका। अभी नेक्स्ट, पुट आउट द फायर, वेट ए सेकंड, अपने को आग बुझानी और उस साइड फायर ब्रिगेड भी है, लेकिन आग लगी कहाँ पर जो बुझाएंगे भाई, एक सेकंड, यहाँ पर कौन सी जगह पर लगी आग। ओ भी वेट ए सेकंड, ये देखो गाइस ये से कुछ तो गाड़ी है, इसके अंदर आग लग रखी है एंड ये लोकेशन मेरे को जहाँ तक लग रहा है, हम यहाँ से नीचे की साइड जाते हैं, एयरपोर्ट से नीचे की साइड वो वाली बिल्डिंग वहीं पर होने वाली शायद से। तो चलो भाई जल्दी से चलते हैं वहाँ पर भाई, अभी अपने को आग बुझानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ना पुलिस वाले बनने के लिए अपने को पुलिस वाले ही काम ही करने पड़े, जैसे कि हमने सबसे पहले पुलिस वालों को मारा, पुलिस वालों को तो नहीं मारते लेकिन गैंगस्टर्स लोगों को मारते, तो इस टाइप से अपनी प्रैक्टिस हो रही है। तो चलो भाई जल्दी से उस वाली बिल्डिंग पर चलता हूँ पहले तो मैं एंड पहले अपने आग बुझाते। ओके गाइस, यार यहाँ पर देखो ये गाड़ी ऑलमोस्ट जलकर राख हो चुकी है भाई, अब यहाँ पर आग भी बुझा देंगे तो क्या ये गाड़ी फिर से रिकवर हो पाएगी, मतलब क्या ही होगा इसका। ये आई थिंक फॉर्च्यूनर लग रही मेरे को जहाँ तक लग रहा है। तो चलो कि जल्दी से आग बुझाते गाइज, यार ये देखो आग तो बुझ गई इसकी, अभी देखो इसकी कंडीशन कुछ इस टाइप की हो चुकी है भाई, मतलब आग तो बुझ चुकी है लेकिन इसके चित्रे चित्रे उड़ चुके आगे से, देखो इसका यहाँ पर बम्पर वगैरह एंड गियर तो सब गायब हो चुकी, सिर्फ एक व्हील बचा है वो भी लेफ्ट का बैक साइड का, और तीनों व्हील गायब एंड पीछे की ट्रंक वगैरह सब कुछ खत्म है। बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला इस गाड़ी को रिपेयर करने में, खैर अपनी गाड़ी तो है ही नहीं, चलो अभी चलते हैं यहाँ से बाहर। सो गाइस, यार ये देखो अपनी, ये ओल्ड हाउस लग रहा है अपना, आप देख सकते हो एंड ये कोई तो गाड़ी जिसके अंदर भयंकर आग लग रही है भाई, इसको जल्दी से जाकर बुझाना पड़ेगा इससे पहले कि वो पूरी प्रॉपर ब्लास्ट हो जाए। अगर वो उस टाइम पर ब्लास्ट हो गई तो फिर आसपास की गाड़ियाँ भी ब्लास्ट हो सकती है, इसलिए अपने को जल्दी जितना जल्दी हो सके वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। लेट्स गो भाई, जल्दी से वहाँ पर मैं चलता हूँ पहले तो। ओ भी यार गाइस जल्दी उतर भाई, ये देखो क्या खतरनाक आग लग चुकी है इसके अंदर भाई, इसके 2-4 पार्ट्स तो आगे ऊपर नीचे उड़ चुके हैं ये देखो भाई, एंड भाई देखो आगे से पूरी जल चुकी है ये, इसका इंजन मेरे को लग रहा है जल चुका है शायद से, एंड भाई पता नहीं ये बच भी पाई या फिर नहीं, मेरे को जल्दी से यहाँ पर पानी छिड़कना पड़ेगा पहले तो। ओके गाइस, यहाँ पर 5 मिनट के बाद यहाँ पर गाइस गाड़ी की हालत कुछ इस टाइप की हो चुकी है भाई, सच बोलो तो इसकी बॉडी कंडीशन इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं हुई, आप देख सकते गाइस वहाँ पर आपने स्टार्टिंग में फॉर्च्यूनर का देखा था तो वो कुछ ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी, लेकिन ये चलेगी क्या इसका मेरे को इंजन टेस्ट करना, अगर चल दिया तो भाई फिर तो खतरनाक है मस्टैंग ओपी। लेट्स गो। ओके इंजन तो स्टार्ट कर रहा है, ओ भाई चल भी रही है लेकिन थोड़ी सी अटक रही है भाई, ये थोड़ी सी मतलब प्रॉपर चल नहीं रही जैसे चलनी चाहिए एंड धीरे धीरे काफ़ी चल रही है, तो शायद से इंजन डैमेज तो हुआ है लेकिन एटलीस्ट गाड़ी चल रही है, अंदर से बिल्कुल प्रॉपर सेफ है, बाहर से इसके गेट वेट टूटे एंड व्हील एक भी नहीं टूटा भाई, इसका बॉडी मतलब बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है इसकी। तो चलो गाइस ये तो गाड़ी बच चुकी है, बढ़िया तरीके से हमने बचा ली, अभी नेक्स्ट देखते हैं कौन सी गाड़ियाँ जो किसको बचाना है अपने को। ओके ये पेट्रोल पंप पर कोई सी तो गाड़ी है, अभी ये कौन सी, ये मेरे को पेट्रोल पंप पर जाकर ही देखना पड़ेगा भाई, पेट्रोल पंप पर आग लग चुकी है भाई, वो ज़्यादा ब्लास्ट होगी तो भाई पेट्रोल पंप पूरा ब्लास्ट हो जाएगा भाई,
अभी जल्दी से चलना पड़ेगा अपने को, नहीं तो भाई ख़त्म सीन है। गाइस यार इसकी हालत तो और भी ज़्यादा खतरनाक मेरे को लग रही है भाई यहाँ पर। अच्छा पेट्रोल पंप पर आग नहीं लगी। एंड ओ भाई इसमें तो दो पैसेंजर्स भी मर चुके भाई, एक लड़की और एक लड़का, आई थिंक दोनों हस्बैंड वाइफ, पता नहीं क्या सीन है इन दोनों का, ये दोनों भी मर चुके भाई। यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक सीन है भाई, इसमें कोई नहीं बच पाया। शिट वेल गाइस इसको मैं आग तो बुझानी, अपने को आग बुझा लेते हैं, अपने पहले ये काम करते हैं। एंड गाइस यार एक बार गाड़ी की हालत तो देखो आप, मतलब इसके पार्ट्स वगैरह उड़ कर सादे कहाँ पर पता नहीं कहाँ पर चले गए। एंड बॉडी की मतलब देखो क्या बचे इसके अंदर भाई। इस गाड़ी का नाम आप कॉमेंट में बताना, इस गाड़ी का नाम क्या है। तो गाइस ये देखो इसकी ख़त्म हाल है गाइस, मतलब बंदा भी मर चुके, दो लोग थे इसके अंदर, एक लड़की और एक लड़का, वो दोनों भी मर चुके हैं। गाड़ी की कंडीशन तो आपने देख ली भाई, वो गाड़ी कम टेम्पो ज़्यादा लग रहा था। टेम्पो के अंदर भी एक पहिया नहीं होता, उसके अंदर भी तीन पहिए होते। तो चलो गाइस जल्दी से चलते, अभी नेक्स्ट क्या है। अरेस्ट 5 गैंगस्टर्स। ओके भाई अभी गैंगस्टर्स लोगों को पकड़ना अपने को भाई, बहुत ज़ोर से मारते गैंगस्टर लोग। तो चलो कोई बात नहीं गाइस, ज़्यादातर जो गैंगस्टर लोग हैं वो रहते ये जो विलेज एरिया है जहाँ पर हम जा रहे इसी साइड वो रहते। तो पहले मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कहाँ पर कोई गैंगस्टर गिरी तो नहीं करा, कोई किसी को मार तो नहीं रहा, नहीं तो अभी उसको इसी गाड़ी के अंदर बिठा कर सीधे पुलिस स्टेशन ले जाने वालों में। रुको को यहाँ पर उतर कर देखते हैं, यहाँ पर आई थिंक शायद कोई तो होगा जो गैंगस्टर गिरी यहाँ पर करा होगा। ये जो घर है ना ये सारे एक टाइप से आप समझ लो चोर उचक के ही है, कोई गाड़ियाँ चुरा कर यहाँ पर रख लेता है, कोई बाइक वगैरह, कोई तो लोगों को मार देता है और उनसे पैसे वैसे छीन लेता है। तो ये सारे इस टाइप के एरिया में सारे के सारे यही बंदे रहते हैं। लेकिन गाइस ऐसे नहीं, मेरे को यहाँ पर पुलिस की गाड़ी लेकर आना पड़ेगा, नहीं तो ये अपने को यहीं पर बहुत ही ज़ोर से मारेंगे, पुलिस से थोड़ा खौफ तो रहेगा। तो चलिए ओके गाइस यार यहाँ पर मैं पुलिस की एसयूवी लेकर आ चुका, इसके अंदर भर कर ले जाने वाले सबको भी। एंड अभी मेरे को दिख जाए बस कोई भी, ओके इसे नहीं बिल्कुल बीच में जाकर खड़ी करेंगे गाड़ी को भाई, डरते हैं क्या, अभी जाएंगे लस गो जल्दी से। एंड गाइस मैंने जैसा कि बोला ये काफ़ी ज़्यादा गैंगस्टर लोग हैं भाई, लोगों को नॉर्मल जो बेचार शरीफ से लोग होते हैं उनको तो बिल्कुल ज़ोर से पेलते हैं ये लोग, तो इसलिए उनसे सारे पैसे वगैरह सब कुछ छीन लेते। तो गाइस मेरे पास वैसे वेपन वगैरह कोई भी आएगा तो सीधा हेडशॉट लगा दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं, लेकिन अपने को जिंदा पकड़ कर ले जाना ये भी तो टेंशन है। तो चलो इन सभी घर के अंदर पहले मैं देख लेता हूँ कोई है क्या, अगर कोई हुआ चलो अच्छा ऊपर से भी चेक कर लेंगे भाई, ऊपर से मस्त नज़ारे देख पाएंगे। तो चलो कोई भी छुप कर ऊपर कर बैठा हो तो बाहर निकल जाओ भाई, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, सबके सब अरेस्ट होने वाला है, नया पुलिस वाला है। भाई यार मैं इस लास्ट बिल्डिंग तक आ चुका हूँ लेकिन मेरे को कोई भी नहीं दिखा भाई, पता नहीं कहाँ पर छुप कर चले गए, पता नहीं भाई यहीं पर रहते वो ज़्यादातर टाइम। चलो पार्कोर करते हैं, वो भाई काफ़ी मस्त वहाँ से डायरेक्ट जंप यहाँ पर लगा दिया। एंड यहाँ से हम यहाँ पर अरे नहीं लग पाए, अबे यार गाइस ये गिर गया शिट, और एक सेकंड अभी ये, अच्छा गाइस ये गैंगस्टर्स, अबे भाई ये तो गलत सीन है भाई, अपने को 5 लोग ही है और हम अकेले भाई सब, भाई 3 लड़कियां है भाई, लड़कियां भी गैंगस्टर बनने लगी भाई, ये तो गलत ही सीन है भाई। मेरे पास पिस्टल देखो, अगर मेरे पे किसी ने अटैक किया तो ये सीधे हेडशॉट लगेगा भाई, ये तो मारने के लिए तैयार ही नहीं भाई, लड़कियां पहले मार रही है भाई और मैं इनको मार भी नहीं सकता भाई, RPG से मार दूंगा बेटा अभी ज़्यादा करा तो। अबे नहीं यार ये तो मेरे को जिंदा ही मार दे, भाग भाग भाई मेरे को, मैंने जाकर डायरेक्ट पुलिस की गाड़ी में बैठ जाओ, तो अगर मैं पुलिस की गाड़ी में बैठ जाऊंगा तो ये भी आकर बैठ जाएंगे, इनका इतना ज़्यादा दिमाग तो चलता नहीं है। तो चलो गाइस जल्दी से बैठता हूँ, इनको डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में ले जाऊँगा। एंड इनको जिंदा भी तो मैं नहीं मार सकता भाई, अगर मार दिया तो फिर ये मिशन अपना फेल हो जाएगा। चलो भाई मेरे साथ में बैठना इस गाड़ी के अंदर, सही से बैठ जाना नहीं तो यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। चलो गाइस यहाँ पर मेरे को नहीं पता कौन कितने बैठे, आई थिंक 2-3 तो बैठ ही गए होंगे, जितने बैठे वही ठीक है। अभी इन सब को लेकर जाने वाला हूँ मैं अभी जस्ट पुलिस स्टेशन के अंदर। एंड अभी इन सब के यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर सुताई होगी तो इनको पता चलेगा गैंगस्टर गिरी होती क्या है, पुलिस वाले दिखाएंगे उनकी पुलिस गिरी। तो चलो गाइस चलते जल्दी से। गाइस यार यहाँ पर ना इनकी बहुत ही तगड़ी तरीके से सुताई होने वाली, अभी हम निकल चुके, अपना काम हो चुका डन, अभी और भी कुछ मिशन, अरे यार और भी मिशन है, कैच ओवर स्पीडिंग कार्स। ओके गाइस जो बंदे अंधाधुंध गाड़ियाँ चला रहे हैं यहाँ पर उनको अपने को पकड़ना है। एंड अरे भाई ऊपर क्यों चढ़ जाता यार, इसको पता नहीं क्या बवासीर है इसके, पता नहीं जहाँ, ओ भाई ये गाड़ी फास्ट जा रही क्या, पुलिस वाले के सामने भाग गया, रुक बेटा तेरे को बताता हूँ। अबे अच्छा इस शरीफ बंदा ही लग रहा है, देख सो तो भाई गाड़ी के पास आते इसने रोक दी ये, चलो ओडी वाला तो काफ़ी बढ़िया शराबत से जा रहा है, चलो इसने रोक भी दी, ऐसा नहीं कि ठोकी इसने, ठोक दिया तो भाई इसको ठोकते हम। एंड ये बुगाटी वाले के अंदर एटीट्यूड है क्या भाई, अपने अबे ऊपर चढ़ाएंगे क्या साले, ओ भाई इसने काफ़ी ज़्यादा दूर ही रोक दी। एंड भाई ये गैंगस्टर भाई देख रो कैसे कट मारकर अपने को आकर ठोक रहा है भाई, तेरे को दिखता नहीं यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, तू आकर इसके ऊपर पेल देगा क्या इसको, चल तू बाहर निकल, तेरी गाड़ी भी जाएगा थाने के अंदर,
इसको निकाल दिया, तोक कर निकाल दिया, फेंक दिया डायरेक्ट बाहर एंड चली गई। ये जो गाड़ी अभी जाएगी, अपना पहला शिकार अपने को मिल चुका है भाई। यहाँ पर किसी न किसी को तो मारना पड़ेगा भाई। वैसे इसने गलती करी थी भाई, डायरेक्ट वो कट मारकर अपने को ठोकरा भाई। उस साइड से भी निकल सकता था या फिर उस थोड़ा सा सेकंड वेट कर लेता भाई। चलो गाइस पहली गाड़ी अपने को मिल चुकी। ओके गाइस यहाँ अपने एयरपोर्ट पर काफ़ी धंधा धुन निकलते हैं लोग भाई। यहाँ पर जो ये एक बंदा एक और आ रहा है भाई, ये देखो कितनी फास्ट कर ली स्पीड इसने। रोक रोक बेटा भाई, इसने जैसे आपने देखा इसने स्पीड फास्ट कर ली भाई। लगता है ये उसी का भाई, इसकी गाड़ी भी सेम है भाई। चल बेटा तेरे को पता नहीं चल रहा, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है तो अंधाधुन गाड़ी लेकर जा रहा है। बनने वाला पुलिस ऑफिसर हूँ, बनाना ही वो बात अलग है। अभी ये फिर भी जा रहा है, देखो भाई मैं यहाँ पर इसको गन दिखा रहा हूँ लेकिन ये फिर भी जा रहा है एंड पीछे से। अभी ये भी कुछ ज़्यादा ही, रुक जा बेटा भाई, लाकर ठोक रहा है भाई बंदे। क्या बंदा है भाई ये, रुक तेरे को तेरी तुम दोनों की गाड़ी जाएंगी अभी, ये तो पक्की जाने। अबे भाई वो भाग गया भाई, कितना शातिर बंदा है। रुको इसको रोक दो, पहले तो इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो अगर भाग गया तो फिर ख़त्म है अपना खेल। चल बेटा अभी बहुत ज़्यादा कर लिया तुम लोगों ने, अभी तुम्हारी गैंगस्टर गिरी नहीं चलने वाली, अभी सिटी के अंदर तुम बिल्कुल शराबत से रहना पड़ेगा। चलो गाइस अभी इसको मैंने रोक दिया, इसी की गाड़ी लेकर जाऊंगा एंड डायरेक्ट इसको ले जाना मैं थाने के अंदर। चलो भाई फेंक दे इसको, निकाल कर बाहर एंड लेट्स गो गाइस, जल्दी से चलते अभी स्टेशन के अंदर एंड इस गाड़ी को वहाँ पर लगाते हैं एंड एक और उस वाली गाड़ी को भी लगाते हैं जल्दी से। चलो बुगाटी भी आ चुकी है, इसको भी जल्दी से यहाँ पर लगा देते हैं भाई। ये जो ग्रीन कलर की लेम्बरगिनी वेनेनो वाली जो कार से ना, इनके जो ड्राइवर है वो काफ़ी ज़्यादा हेवी ड्राइवर है भाई। अंधा धुन आकर लोगों को मार वार कर ऊपर चढ़ा कर चले जाते तो अभी गाइस यार स्पाइनोसोर को मारना पड़ेगा अभी। शिट भाई ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर होने वाला है भाई। स्पाइनोसोर आपने देखा होगा स्टार्टिंग में तो वो लोगों को मारा था लेकिन उसने एक पुलिस वाले को भी मार दिया। पुलिस वाले उसको मारने गए थे लेकिन वो खुद पुलिस स्टेशन आया और उसको मार दिया पुलिस वाले को भाई। तो सोचो अपना क्या ही हाल कर सकता है वो। खैर गए सभी, पहले तो इसी की किसी बंदे की बुगाटी लेकर मैं जाने वाला हूँ। इनके सभी थोड़ी जाएंगे भाई, नेक्स्ट हम जाएंगे रात में। उन लोगों का सीन ये कि रात में उनको बहुत ही कम दिखता है, तो अगर दिन में जाएंगे तो डायरेक्ट अपने ऊपर अटैक कर देंगे और वो चार पाँच उस जंगल के अंदर। तो हम अगर एक अकेले जाएंगे रात में तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हम उसको मार पाएँ। तो इसलिए सभी जल्दी से, पहले तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम है अपने पास, पूरा दिन सोऊंगा एंड रात में एक दो बजे निकलेंगे हम घर से ताकि उनको उस टाइम ज़्यादा दिखे नहीं और हम उनको मार पाएँ ईजिली। तो चलो गाइस जल्दी से अभी टाइम में अपना रेस्ट करने का, काफ़ी मिशंस कर लिए। तो चलो भाई पंखा वंखा ऑन करते हैं एंड जल्दी से मस्त सो जाते। चलिए गाइस अभी हम मिलते हैं रात को एक दो बजे, लेट्स गो। मिशंस विशन तो होते रहेंगे लेकिन रात के एक दो बजे स्विमिंग पूल में कौन नहाता भाई, मैं नहाता हूँ वो भी गेम के अंदर, रियल लाइफ में कभी नहीं नहाऊंगा वेट। तो चलो गाइस यहाँ पर मस्त रात के अभी एक दो बज रहे एंड अभी इस टाइम में मैं स्विमिंग पूल से निकला हूँ क्योंकि सभी यहाँ पर इस बंदे की आँखें वाँखें खुल नहीं रही थी भाई। ये फिर से सोने के लिए जा रहा था इसलिए डायरेक्ट हमने यहाँ पर नहला दिया इसको, तो अच्छे से ये मस्त अभी काम करेगा। तो चले गए लाइट को ऑन करते हैं एंड जल्दी से चलने वाले अभी जुरासिक पार्क के अंदर जाने वाले क्योंकि डायनासोर वहीं पर रहने वाले एंड गाइस वहाँ पर तीन टाइप के डायनासोर, एक तो ब्रेच, एक से एक स्पाइनोसोर, एक टीरेक्स है, लेकिन जो पगला गया है वो है स्पाइनोसोर। तो उसको जल्दी से अपने को मारना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके, नहीं तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने को मार देगा। तो लेट्स गो। ओके गाइस यार यहाँ पर गेट ओपन हो चुका, मेरी धड़कनें बढ़ रही है भाई लिटरली भाई। सोचो तुम एक ऐसे रास्ते में भाई, ये तो जंगल है, सोचो तुम एक रास्ते पर जा रहे हो जहाँ पर कोई भी कार्स बाइक्स नहीं चल रही, जहाँ पर तुम अकेले हो और तुम्हें लग रहा है मेरी बैक सीट पर कोई ना कोई तो बैठा है एंड आप जैसे ही अपनी बैक सीट पर टर्न करते हो आपकी गाड़ी भिड़ जाती किसी पे जाकर, कितना ज़्यादा डेंजर लगेगा। वैसी सिचुएशन यहाँ पर हो रही है भाई, अभी पूरे जंगल के अंदर है हम, तो इसलिए थोड़ा सा डर तो लग रहा है लेकिन डर के आगे डायनासोर है और वो अपने को मार देगा। कहाँ पर है आखिर डायनासोर, मेरे को दिख क्यों नहीं रहा भाई, ये डायनासोर कहाँ पर चले गए भाई ये। ओ भाई वेट, किसी की तो आवाज़ आई, मेरे को डायनासोर ही बोला आई थिंक, मेरे को लग रहा है जस्ट अपने पीछे। शिट भाई, ओ भाई ये तो सच में पीछे भाई, भागो यहाँ से जल्दी जल्दी, मेरे को निकलना पड़ेगा भाई, खतरनाक है भाई ये तो। गाइस ने यहाँ पर जस्ट मैं काफ़ी बढ़िया तरीके से भी बच चुका हूँ लेकिन मेरे को लग रहा है मैं ज़्यादा देर बचने नहीं वाला। तो गाइस अगर ऐसे धीरे धीरे कर चलाऊंगा तो ये जल्दी से अभी मेरे को खाई जाएगा। तो अभी इन्हें बहुत ही ज़्यादा दूर में चले जाता हूँ, ज़्यादा दूर चले जाएंगे तो इनको दिखता नहीं ज़्यादा दूर। तो अभी इन यहाँ से अपने पास एडवांटेज रहेगा कि हम इसको मार पाएंगे। ओके वो देखो वो वहाँ पर मुड़ चुका है, मतलब इतना ज़्यादा दूर हम चले जाएंगे तो इनको फिर दिखता नहीं है।
तो चलो गाइस अभी ना मैं थोड़ा सा और पास में जाएंगे एंड इसको जल्दी से खत्म कर दे। वो देखो उसके ऊपर जो स्पाइन निकल रखी है ना, वो कुछ हड्डी वगैरह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डेंजर लेवल की दिखती हो, तो इतना भी ज़्यादा क्लोज में नहीं जाऊँ, नहीं तो वो उसको फिर से पता चल गया तो फिर से अपने ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसलिए गाइस यहीं पर मैं रोकता हूँ एंड अभी जल्दी से इसको मारते एंड देखते भाई आखिर इसको मार पाते या फिर नहीं। लेट्स गो। वेट, अभी यार ये दूसरी गन दी उन पुलिस वालों ने, इसका रेट ऑफ फायर काफ़ी कम है भाई, ये धीरे धीरे, अच्छा धीरे धीरे बढ़ता है इसमें, चलो ठीक है। ओ आखिरकार गाइस इसको तो इजीली हमने मार दिया भाई, लेकिन आई थिंक ये सुपर गन जो भी उसने गन चेंज करी थी थोड़ी सी, शायद उसका बेनिफिट होगा। वेल गाइस यहाँ पर इसको तो हमने मार दिया भाई, आखिरकार ये मिशन भी हमने डन कर लिया एंड ये देखो इसकी जीप भी निकल चुकी। खैर यहाँ से जल्दी से भागते हैं क्योंकि गाइस अगर दूसरे डायनासोर अगर जाग गए, टीरेक्स और वो ब्रेच वगैरह, तो वो आकर अपने को जिंदा निकल जाएंगे। तो पहली फुर्सत में यहाँ से निकलते इससे पहले कि कोई दूसरे डायनासोर्स आए। तो लेट्स गो, पहले जाकर मस्त सोऊंगा एंड नेक्स्ट डे हम देखेंगे अपना अगला जो भी कार्यक्रम है, जो भी काम। गुड मॉर्निंग गाइज, नेक्स्ट डे एंड अभी हम जाने वाले पुलिस स्टेशन के अंदर एंड मेरे को ना कुछ मेल आया था तो चेक करते हैं यहाँ पर। ओके गाइज कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट में यहाँ पर इस ये मेल भेजा है एंड ये बोल रहे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, अभी तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन आओ और यहाँ पर अपनी वर्दी वगैरह पहन लो। ओके गाइज अभी अपने को ऑफिशियल बेज मिल चुका है, हम पुलिस वाले बन चुके भाई, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद तो बन ही जाएंगे ना भाई, मौत से खेल कर आए, मौत को छूकर टक से फिर से वापस आए। तो चलिए गाइज अभी जल्दी से चलते एंड देखते हैं आखिरकार कैसे क्या कुछ हम कर पाएंगे पुलिस वाले बनकर। लेट्स गो गाइस, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड चलिए अभी चलता है। लेट्स गो, यहाँ पर दो पुलिस वाले, हेलो सर क्या हालचाल। अभी तो उनको अपने को सर बोलना पड़ेगा भाई, उस टाइम आए थे कितना ज़ोर से मार रहे थे अपने को, अभी नहीं मारा क्योंकि उनको पता है भाई अभी ये बन चुके पुलिस वाला। तो चलिए गाइस अबे ऊपर नहीं चढ़ना भाई, ये नबड़ो वाली हरकत है। ओके गाइस यार बन चुके हम पुलिस वाले, आखिरकार हमने मिल चुकी है वर्दी एंड अभी भी चलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है देख सकते हो, लेकिन भाई मज़ा आ गया। अभी वैसे और कर क्या सकते पुलिस वाला बनकर, हम चल तो पाएंगे लेकिन इसके अलावा और क्या कर सकेंगे हम गाइस। ना अभी मैं आपको डांस दिखाता हूँ मस्त वाला। ओके गाइस तो यही था वीडियो, इसका नेक्स्ट पार्ट हम बना सकते हैं, उसमें और भी पुलिस के जो भी काम है वो सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके लिए आप वीडियो पर 4000 लाइक्स कर देना एंड 200 कमेंट्स कर देना, पूरा प्रॉपर पुलिस बनकर हम खेलेंगे गेम के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।